देश में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ महीनों से तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी के पेट्रोल के दाम अब तक के सबसे ज्यादा हैं। हमने बीजेपी के नेताओं को अक्सर कहते सुना है कि पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं क्योंकि सरकार फ्री वैक्सीन दे रही है और इसके साथ ही सरकार फ्री राशन भी दे रही है। ऐसा कुछ बयान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा था कि सरकार अपने हिस्से से लोगों को फ्री वैक्सीन और राशन दे रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, महामारी के दौरान एक वर्ष में 90 करोड़ से अधिक हमारे जो नागरिक हैं उनको दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिलवाया, नंबर वन। नंबर टू, 2-3 दिन में हमारे जो वैक्सीन का आंकड़ा है ये 100 करोड़ से आगे निकल जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बनाना, हमारी बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर देना, 8 करोड़ पहले सिलेंडर दिए थे योजना उज्ज्वला में, योजना में 1 करोड़ अभी और दे रहे हैं और हम देते जाएंगे। जब बीजेपी के नेता मनोज तिवारी से पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि फ्री में सरकार वैक्सीन दे रही है और राशन भी। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी, तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। बीजेपी मंत्री रमेश्वर तेली से जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल हुआ तो उन्होंने भी वैक्सीन का ही जिक्र किया। दाम बेसी न हो टैक्स लगवा था अपना लोग निश्चय वैक्सीन लो, ये वैक्सीन और पैसा भी कर पाएगा अपने लोग तो दिया ना वैक्सीन और पैसा निश्चय ये वैक्सीन पैसा भी तेने धरने रहा आज हम कैसे पानी है दाम बेसी तेलत कोई। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का पेट्रोल डीजल पर अजीबोगरीब बयान भी आप सुन लीजिए। और विपक्ष मुद्दा विहीन है, और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4-व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है इसे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। हमने आपको बीजेपी नेताओं के बयान क्यों सुनाए, इस पर बात करते हैं। लगभग हर बीजेपी नेता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह फ्री वैक्सीन को बता रहा है, पर सरकार ने 2021 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए देश के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए रखे थे। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ आंकड़ों के साथ सरकार पर सवाल उठाए। ये भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जो डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमतें हैं ये इसलिए कि आपने वैक्सीन देशवासियों मुफ्त में लिया। तो आज आपके माध्यम से मैं देशवासियों को इसका भी खुलासा करूंगा। मार्च 2020 से आज तक, यानी कोरोना काल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने 13 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 16 रुपया लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई और 305 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई। ये पिछले कोरोना काल से आज तक, केवल ये मार्च 2020 से आज तक का आंकड़ा है। अब देखिए कि टीके की कीमत कितनी है। 103 करोड़ व्यस्क अगर हैं और उनमें से सब कईयों ने पैसे दे के लगाया था, पर मान लीजिए किसी ने नहीं लगाया, तो 103 करोड़ को अगर आप 200 रुपया प्रति टीका से गुना करें तो कीमत आती है 20,600 करोड़। तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा खर्चा वो 20,600 करोड़, वो भी तब जब सबको लग जाएगा, वो
तो आज तक खर्च भी नहीं हुआ, पर मान लीजिए। और सरकार ने, निर्मला जी ने 2021-22 के बजट में कहा कि हमने 35,000 करोड़ टीकाकरण के लिए रखा है, वो भी बचा लीजिए, छोड़ दीजिए उसे। 2019-20 में आरटीआई के जवाब में आया है कि मोदी सरकार ने केवल पेट्रोल और डीजल, गैस भी छोड़ दीजिए, उससे कमाया था 2,88,314 करोड़। ये मैं डेटा भेज रहा हूं। और 2020-21 में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर कमाया 4,30,736 करोड़। यानी एक साल में ही देशवासियों, आपकी जेब से केवल पेट्रोल डीजल से 1,25,422 करोड़ अतिरिक्त निकाले। तो कोरोना के टीके की तो कीमत 20,000 करोड़ भी नहीं है, तो बाकी कहां गए? अगर ये क्राइटेरिया है तो हमें वापस दे दीजिए कीमतें कम करके। रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर अपने प्राइम टाइम में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और फ्री वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। इतनी समझदार जनता को मंत्री भी वही बात समझा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसलिए अधिक है क्योंकि मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर देश भर में लगे इस होर्डिंग ने जनता को ठीक से समझाया है कि टीका मुफ्त लगा है और इसके लिए धन्यवाद मोदी जी कहना है। तभी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने याद दिला दिया कि यह इतना भी मुफ्त नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसलिए अधिक है क्योंकि टीका मुफ्त है, अनाज मुफ्त है। 6 महीने के दौरान हुए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम और अन्य चीजों की महंगाई का खर्चा जोड़िए, आपसे कह रहा हूं, पता चलेगा कि आपने कई हजार रुपए इसके नाम पर सरकार को दे दिए, जबकि 500,000 का टीका लगा लेते तो वो सस्ता पड़ता। इसके साथ ही आर्यन खान का मुद्दा सुर्खियों में है। एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के बीच में जो विवाद जारी है वह सुर्खियों में है। आज बात आर्यन खान और ड्रग्स की ही करते हैं। न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी वीडियो में आर्यन खान केस में ड्रग्स के मुद्दे पर बात की और मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो ड्रग मिलने पर कोई कार्रवाई ना होने को लेकर बीजेपी नेता से सवाल किए। अब एक मिनट राम कदम, मैं थोड़े दूसरे बिंदु जोड़ता हूँ। समर्थन क्यों कर रहे हैं? अगर बंदरगाह पर मुंद्रा पोर्ट पर जून में 25,000 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है, सितंबर में 3,000 किलो की खेप पकड़ी जाती है, यहाँ 6 ग्राम पर तो ड्रग माफिया और इंटरनेशनल सिंडिकेट न जाने क्या क्या बातें हो गई, 70,000 पन्नों की चार्जशीट रिया चक्रवर्ती के मामले में दाखिल की गई, यही समीर वानखड़े ने की, तो एनसीबी कहां है? यह 28,000 किलो की खेप मिली, उसमें एक गिरफ्तारी हुई है। अब 6 ग्राम भी अपराध है और 6,000 किलो भी अपराध है। अच्छा, दोनों बराबर है, कम अधिक नहीं कर सकते, दोनों बराबर है। 23 दिन से मीडिया पागल हो रखा है, 6 ग्राम के पीछे कोई 28,000 किलो के बारे में सवाल ही नहीं पूछा, ये अजीब नहीं लगता क्या आपको? एक मिनट। वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने आर्यन खान और अनन्या पांडे को लेकर ड्रग्स के मुद्दे पर बात की पर मुद्रा रिपोर्ट पर मिली ड्रग का जिक्र नहीं किया। ड्रग्स बंबई में इतना बड़ा हो रहा है नशा, क्या ये ड्रग्स का नशा है? ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी बढ़ाया जाना हो आर्यन खान का, या फिर अनन्या पांडे से इस वक्त एनसीबी की पूछताछ जिसे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इधर अनन्या पांडे का मोबाइल भी सीज कर लिया गया है, चंकी पांडे की वो दो बेटी है, दोस्त है ये दोनों परिवार। और जिस तरीके से अब अनन्या पांडे तक ये जांच की कड़ी पहुंच रही है, बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि आखिर इस पूरे मामले के कितने किरदार हैं। एक मीडिया तो मुद्रा पोर्ट पर मिले ड्रग को लेकर सवाल उठाता नजर आ रहा है। खैर, खुद ही मीडिया ने तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने पर भी डिबेट नहीं की। आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.